हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपने एक नए टॉपिक की वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है नंबर सीरीज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि नंबर सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है और बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं और बहुत से स्टूडेंट को ये सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि कैसे हिंट निकाले और किस तरह से कम टाइम में इसे सॉल्व करें। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कंफ्यूज होते हैं और उनको ज्यादा टाइम लगता है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे ये होगा कि नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस पैटर्न से जाते हैं, क्या अप्रोच लगाओगे जिससे आप वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए हमारे चैनल के अंदर बहुत से ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आपको मिल जाएगा काउंटिंग फिगर्स पे ट्रिक, मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन, मिल जाएगा एलजेब्रा पे, मिल जाएगा ऐसे बहुत से टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे आप ही का फायदा होगा कि जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही का फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आज के वीडियो में कुछ नया करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दूंगा मैं और उस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके मुझे आंसर देना है। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, 30 सेकंड के बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। समझ गए? तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको नए तरीके से सिखाऊंगा कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। आपके ऑप्शन आपको मिल गए हैं, ऑप्शन देखिए, ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं यहां पर। देखिए 2, 5, 11, 23 और 44 और यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये मैंने लिख लिया मैंने। और सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, आपको देखना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कितना अंतर है देखिए इसके बीच में। तो आप देखोगे 2 में आप क्या प्लस करोगे, जो आपका 5 आएगा तो आप प्लस करोगे 3 प्लस करोगे, क्लियर हो रहा है। उसके बाद आप 5 में क्या प्लस करोगे, जो आपका 11 आएगा तो यहां पर प्लस 6 करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो 11 में क्या प्लस करोगे, जो आपका 23 होगा आप प्लस करोगे 12 प्लस करोगे, क्लियर हो रहा है। तो आपको दिमाग में आएगा भाई 3 2 6 3 4 12, ठीक है ना। तो 3 2 6 3 4 12, तो यहां पर 3 6 18 होना चाहिए, क्लियर है ना। तो यही चीज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी देखना पड़ेगा। तो 23 में क्या प्लस करोगे, जो आपका 44 आएगा 21 प्लस करोगे, तो यहां पर तो हुआ नहीं, वो क्लियर है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या प्लस करोगे, वो समझ में आया ये चीज, नहीं समझ में आया तब क्या करना है, आपको इसका भी डिफरेंस निकालना है। तो आप देखोगे कि 3 में आप क्या प्लस करोगे, जो 6 आएगा आप प्लस करोगे 3 प्लस करोगे, 6 में आप क्या प्लस करोगे, जो 12 होगा प्लस 6 करोगे, और 12 में क्या प्लस करोगे जिससे 21 आ जाए, तो आप इजिली मिल जाएगा आपका 9 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहां पर, तो आप देखोगे 3 6 और यहां पर 9, तो 3 6 9 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 21 में 12 प्लस करोगे कितना होगा आपका, आपका 33 होगा, ठीक है ना। तो 33 आ गया है, तो आपको पता चल गया है कि 44 में प्लस 33 करोगे तो आपका आंसर जो है 77, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिक लगाकर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, इसे सॉल्व कैसे करोगे? जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया मैंने, उसी तरह से इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, देखिए 14 में आप क्या प्लस करोगे, जो आपका 27 आएगा, प्लस आप 13 करोगे, क्लियर हो गया है। उसके बाद 27 में आप क्या प्लस करोगे, जो आपका 52 आ जाए, आप प्लस करोगे 25 प्लस करोगे, क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे, देखिए 52 में आप क्या प्लस करोगे जिससे 101 आ जाए, तो आप प्लस करोगे यहां पर 49 प्लस करोगे। और 101 में आप क्या प्लस करोगे जो आपका 198 आ जाए, तो प्लस आप करोगे 97 करोगे, क्लियर हो गया है। अब क्या करोगे, देखिए ये 198 में आप क्या प्लस करोगे, यहां पर क्या प्लस करोगे जिससे ये आंसर हमारा निकल जाए, तो यहां पर इस तरह से बना दिया मैंने, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हिंट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर भी आप डिफरेंस देखोगे। तो यहां पर 13 में आप क्या प्लस करोगे, जो आपका 25 होगा, आप प्लस करोगे 12 प्लस करोगे, ठीक है। अब 25 में आप क्या प्लस करोगे जिससे आपका 49 आ जाए, तो यहां प्लस 24 करोगे। उसके बाद 49 में आप क्या प्लस करोगे जिससे आपका 97 आ जाए, तो प्लस आप 48 करोगे। अब ध्यान दोगे, देखिए यहां पर होने क्या जा रहा है, देखिए यहां पर 12 है, ठीक है, 12 का डबल हो गया 24 हो गया, और 24 का डबल कितना हो गया 48 हो गया, और 48 का डबल कितना होगा 96 होगा, ठीक है, डबल 48 का डबल 96 होगा। अब क्या करेंगे, इस 97 में आप 96 को प्लस करोगे तभी तो ये बॉक्स आएगा, तो 96 प्लस 97 करोगे तो आपका आंसर आएगा 193 आएगा, तो यहां पर आप लिखोगे 193 लिखोगे, क्लियर है। अब यहां पर ये बॉक्स आ गया 193, तो इसको इससे प्लस करोगे, तो 198 और 193 8 और 3 11 हो गए, एक यहां पर आ गया, यहां पर एक हो गया 18 19, यहां पर 1 और यहां पर 391 आपका आंसर हो गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 391। तो इस तरह से ऐसे नंबर सीरीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है, जो सिखाया आपको वही ट्रिक का यूज कीजिए, आंसर निकल जाएगा। अगर आप कुछ और मेथड यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल जो ट्रिक सिखाया वही यूज करोगे। आप क्या करोगे, 116 में क्या प्लस करोगे जो आपका 128 आ जाए, आप प्लस करोगे प्लस 12 करोगे, क्लियर है। उसके बाद 128 में क्या प्लस करोगे जिससे आप 146 आपको मिल जाए, तो आप प्लस 18 करोगे, क्लियर है। उसके बाद 146 में आप क्या प्लस करोगे जिससे आप 170 आ जाए, तो प्लस आप करोगे 24 करोगे, क्लियर है। उसके बाद आप 170 में आप क्या प्लस करोगे जिससे 200 आ जाए, तो आप प्लस करोगे 30 प्लस करोगे, क्लियर है। और आपको ये क्वेश्चन मार्क लाना है, तो आप 200 में आप क्या प्लस करोगे जिससे आपका ये क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो आप ध्यान दोगे यहां पर, ये देखिए 12 है, तो 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 और 6 6 36 होगा, तो 200 प्लस 36 कितना होगा आपका 236 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 236 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये हिंट नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, जो आपको पहला सिखाया वो भी यूज कर सकते हो। यहां देख सकते हो, देखिए इनकी इसमें डिफरेंस क्या, देखिए प्लस 6 है, और इनकी इसमें डिफरेंस क्या, देखिए प्लस 6 है, और इनकी इसमें डिफरेंस क्या, देखिए प्लस 6, और देखिए यहां पर आने के लिए प्लस 6 करना होगा, तो 30 प्लस 6 36 हो गया, और 200 प्लस 36 आपका 236 आ गया। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपका टाइम शुरू होता है अब। जिनको आंसर मिल गया प्लीज कमेंट करके आंसर दीजिए।
तो चलिए दोस्तों आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ गया हूं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखिए 114 दिया है और 127 दिया है, तो 114 में आप क्या प्लस करोगे जिससे आप 127 ला पाओ, आप तो आप प्लस 13 करोगे, क्लियर है। और 127 में आप क्या प्लस करोगे जिससे आपको 153 मिल जाए, तो आप करोगे प्लस 26 करोगे। उसके बाद 153 में आप क्या प्लस करोगे जिससे आपको मिल जाए 192 मिल जाए, तो प्लस आप 39 करोगे, क्लियर है। उसके बाद 192 में आप क्या प्लस करोगे जिससे आपको 244 मिल जाए, तो आप प्लस 52 करोगे। और फिर देखिए क्वेश्चन मार्क लाने के लिए क्या प्लस करोगे, तो अब ध्यान दीजिए यहां पर ये 13 मिल गया, यहां पर 26, ये 39 और 52, ये क्या हिंट दे रहे हमें, ये 13 का टेबल का हिंट मिल रहा है हमें। 13 1 13 13 2 26 13 3 39 13 4 52 13 5 कितना होगा 65 होगा, तो 244 में आप 65 प्लस कर दोगे तो यहां 903, तो 309 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों आपके सामने और एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो ध्यान दोगे आप यहां पर दिखने में बहुत सिंपल लगेगा कि ये बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन इतना इजी नहीं है ये। तो आप देख सकते हो यहां पर 3 है और यहां 5 है, तो यहां पर आप क्या प्लस करोगे, आप प्लस 2 करोगे जिससे आपको 5 मिल जाएगा। उसके बाद आप 5 में क्या प्लस करोगे, आप प्लस 5 करोगे जिससे आपको 10 मिल जाएगा। फिर देखोगे आप यहां पर तो ये 20 है, तो यहां पर प्लस 10 करोगे जिससे 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए ये 20 में क्या प्लस करोगे, 37 आ जाएगा, तो प्लस आप 17 करोगे, ठीक है ना। तो आप यहां पर आप क्या प्लस करोगे जिससे आपका आंसर ये मिल जाए, ठीक है, यहां पर इस तरह से बना दिया मैंने। अब ध्यान दोगे आप यहां पर, तो आप यहां पर आपको कुछ हिंट नहीं मिलेगा, तो एक काम करते हैं इसके बाद भी हम और एक डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि 2 में आप क्या प्लस करोगे जो आपको 5 मिल जाएगा, तो आप यहां पर प्लस 3 करोगे। और यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर प्लस 5 करूंगा मैं, और यहां पर देखिए 10 प्लस 7 करूंगा जिससे आपको 17 मिल जाएगा। तो आप इजिली बता सकते हो कि यहां पर नंबर क्या आएगा, कैसे, देखिए यहां पर 3 है और 3 फिर 5 हो गया, मतलब दो नंबर इंक्रीज हुआ, ये 5 है फिर दो नंबर इंक्रीज हुआ और 7 आ गया, तो यहां पर क्या होगा, प्लस 9 होगा, क्लियर है कि नहीं है। तो 17 प्लस 9 कितना होगा, आपका होगा 26 होगा, तो यहां पर 26 आ गया, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद देखिए 37 में आप प्लस 37 प्लस 26 करोगे जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपको 63 आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है और यहां पर आएगा 63 आएगा, क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल सम था, लेकिन इस ट्रिक से और भी ईजी हो गया। चलिए और एक सम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपका टाइम शुरू होता है अब। अब तो आपको मास्टरी हासिल हो गया होगा, आप फटाफट हिंट निकाल के जवाब दे सकते हो, तो फटाफट कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं और सबके कमेंट भी रीड कर रहा हूं। चलिए दोस्तों आपके सामने और एक सम लेके आया हूं। देखिए ये वाला सम लेके आया हूं, इसे कैसे सॉल्व करोगे। आप यहां पर डिफरेंस निकालने जाओगे, लेकिन यहां पर बड़ा नंबर है तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो आप देखिए यहां पर 5 है, तो 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, क्लियर है। उसके बाद 10 में आप क्या करोगे जो 13 मिल जाएगा, आप प्लस 3 करोगे, ठीक है ना। उसके बाद 13 में आप क्या करना चाहोगे जिससे आप 52 आ जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो आप देखोगे यहां पर 2 3 और यहां पर 4 आ रहा है। अब देखते हैं आगे हम लोग, तो 52 में आप यहां पर क्या प्लस करोगे जो आपका 57 आ जाएगा, तो यहां पर आप प्लस करोगे 5 करोगे। उसके बाद देखिए यहां पर 57 है और आपका 342 है, तो आपको मल्टीप्लाई 6 करोगे जिससे आपको 342 आ जाएगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या चल रहा है, देखिए 2
थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहां पर क्या आएगा, सेवन आएगा। और साइन क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा, तो आप देखोगे यहां पर मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो यहां पर प्लस होगा। तो 342 में आप प्लस सेवन करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 349 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ट्रिक लगाकर आप नंबर सीरीज के सम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों आपके सामने और एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा, देखिए यहां पर 23 और यहां पर 23 है, जो आप डिफरेंस निकालते थे यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैसे करोगे, तो इस तरह के सम्स को आप और एक ढंग से कर सकते हो। देखिए यहां पर ये 8 है, तो यहां पर देखिए 8 में आप प्लस करोगे, 8 में आप प्लस करोगे 5, जिसे 13 मिल जाएगा। अब देखिए 13 में आप प्लस 5 करोगे तो 18 मिल जाएगा, 18 में आप प्लस यहाँ पर 5 करोगे तो 23 मिल जाएगा, और 23 में आप प्लस 5 करोगे तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस करके ये आंसर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 28 हो गया। अब देखिए ये देखिए, तो 5 में आप क्या प्लस करोगे, 6 प्लस करोगे तो 11 मिलेगा, 11 में आप प्लस क्या करोगे, 6 करोगे तो 17 मिलेगा, और 17 में आप क्या प्लस करोगे, 6 प्लस करोगे तो 23 आएगा। देखिए इस तरह का पैटर्न ये हो चुका है। अब ये जो है यहां पर आएगा, तो आपको प्लस 6 करना पड़ेगा, किसके साथ करना पड़ेगा, 23 के साथ करना पड़ेगा। तो 23 प्लस 6 करोगे तो आपका आंसर जो है 29 आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 29 आएगा। क्लियर हो गया है। अगर आगे का पूछते तो 28 में आपको प्लस 5 करके आंसर निकालना होता है। तो इस पैटर्न से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों आपके सामने और एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, जैसे ही आप ये क्वेश्चन को देखोगे कुछ ना कुछ हिंट आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो 2 3 का क्या होगा, 6 होगा, और देखिए 3 6 का क्या होगा, 18 होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से समझाता हूं। देखिए 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे जिससे क्या मिलेगा, आपको 6 मिल जाएगा, और उसके बाद 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको 18 मिल जाएगा, फिर क्या करोगे, 6 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा जो आपको फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करोगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपका आंसर जो है 108 आ जाएगा। तो यहां पर आंसर जो है ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज जो समझाया मैंने यहां पर आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सके हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।